नमस्कार, तिनका तिनका जेल समाचार में आज जिला कारागार सोनभद्र। जिला कारागार सोनभद्र की शुरुआत 27 अक्टूबर 2016 को हुई। हालांकि यह कारागार 10 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन नक्सली क्षेत्र में पहाड़ों और जंगल के बीच बिजली और पानी के अभाव में जेल की शुरुआत होने में समय लग गया। मौजूदा समय में यहाँ पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था है। इस समय यहाँ 900 बंदी निरुद्ध हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी हैं। कोविड-19 के बचाव के लिए इस जेल में फेस मास्क बनाने का काम तेजी से हो रहा है। बंदियों ने अब तक यहाँ करीब 25,000 मास्क तैयार कर लिए हैं, जिन्हें बंदियों, कर्मचारियों के अलावा जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और मीडिया कर्मियों के बीच बांटा गया है। इसके अलावा करीब 5,000 मास्क स्थानीय जनजातीय समुदाय में भी निःशुल्क वितरित किए गए हैं। बंदियों में जागरूकता लाने के लिए हाल में जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा बंदियों को कारागार में उत्पादित तुलसी, लेमन ग्रास, गिलोई के साथ साथ काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ, मुनक्का और नींबू का काढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से कारागार में कोरोना का संक्रमण प्रवेश नहीं कर सका है। इस कारागार में शुरू से ही जेल अधीक्षक श्री मिजाजी लाल तैनात हैं। वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।